चलो आज हम सब मिलके काम करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शुरुआत फिर से करते हैं। आप में से बहुत से लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं जब चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती। उन्हें लगता है आकर्षण का नियम काम ही नहीं कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। आकर्षण का नियम 24 घंटे हमारे लिए काम कर रहा है। तो आज आपके साथ कुछ न्यू चीज़ें मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिक सीरीज़। आई नो, मैं ग्रेटिट्यूड सीरीज़ भी आपके साथ कंटिन्यू करूँगी और साथ ही साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज़ भी कंटिन्यू करूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करो। अगर यहाँ तक सुन लिया है तो उसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर देना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बेसिक प्रिंसिपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के क्या होते हैं? मेरे चैनल पे 2K यानी 2000 से भी ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, पर बहुत से न्यू सब्सक्राइबर्स हैं जो ये जानना चाहते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, कैसे हम अपनी ज़िंदगी में आकर्षण का नियम का इस्तेमाल करके ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। सो हाय गाइस, माय सेल्फ आस्था, मेरे चैनल पे बात होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लस मैनिफेस्टेशन प्लस टैरो कार्ड से रिलेटेड वीडियोस की। तो अगर आप मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हो या फिर मेरी किसी भी प्रकार की वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हो और अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। मेक श्योर बुकिंग से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स रीड ज़रूर करें। योर थॉट बिकम थिंग्स। जब हम चीज़ों के बारे में सोचते हैं या फिर हम अपने थॉट के ज़रिए में अपनी इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं, जैसे कि अगर आपको एक नया घर किसी एरिया में लेना है तो आपकी इमेजिनेशन चलती है कि मुझे लिविंग रूम को इस तरीके से डेकोरेट करना है, मुझे अपने बेडरूम को इस तरीके से डेकोरेट करना है, मुझे उस फ्लैट में शानदार बालकनी चाहिए या फिर मुझे अपना टेरेस इस तरीके से चाहिए। ये सब कुछ हमारी इमेजिनेशन के ज़रिए चलता है और इस चीज़ को इमेजिनेशन के थ्रू हम एक रफ़ पेज में ड्रॉ करते हैं कि इस तरीके से मुझे मेरे घर का डिज़ाइन चाहिए, इस तरीके से सारी चीज़ें चाहिए। ये सब क्या है, ये सारा पार्ट होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। योर थॉट बिकम द थिंग इन योर लाइफ, योर थॉट बिकम थिंग्स। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं मानोगे कि आप जो विजुलाइज़ करते हो वो आपकी रियलिटी बन जाता है, तब तक आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना कैसे सीख पाओगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में ढेर सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं, और इस सीरीज़ में हम यहाँ पे बात और भी ऐसी ऐसी सक्सेस स्टोरी की करेंगे जो आपके लिए एक इंस्पिरेशन बनने वाली है। सो मेक श्योर इस सीरीज़ का साथ बने रहिएगा, मेरे वीडियो सुनते रहिएगा, मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टा आईडी सीक्रेट आस्था है। तो आज आपके साथ 3 सिंपल ऐसे प्रिंसिपल शेयर करने वाली हूँ कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अगर कुछ भी हासिल नहीं कर पाए हो ना, तो दोबारा से इस चीज़ को रीस्टार्ट कर सकते हो बिना किसी डीमोटिवेशन के। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहली चीज़ जो आपको अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी में याद करनी है वो है आपके थॉट्स काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी ज़िंदगी में। इसलिए जितना हो सके पॉजिटिव चीज़ें सुनो, सोचो और बोलो। अगर आप थक जाते हो या फिर अगर आप कभी आपको लगता है कि लाइफ काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है, तो अपना मनपसंद गाना बजाओ और उस गाने की धुन में थोड़ा सा नाच लो, क्योंकि जब हम डांस करते हैं तब हम हाई वाइब्रेशन में होते हैं और हमारी थॉट्स जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो अपने आप धीरे धीरे डिसॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं। दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अपनी ज़िंदगी में मेडिटेशन का एक हिस्सा बना लो। कुछ लोग मेडिटेशन को काफ़ी हल्के में लेते हैं, पर मेडिटेशन को टेक इट फॉर ग्रांटेड में नहीं लेना चाहिए। जब आप मेडिटेट करते हो तो आपके अंदर कॉस्मिक एनर्जी जनरेट होती है जो आपके माइंड को एक फ्रेश पॉजिटिव थॉट प्रोवाइड करती है। तीसरी और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट, डेली रात को सोने से पहले आप कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें सुन के सो सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मेरी वीडियोज़ ही सुन के सो सकते हो, या फिर आपको कुछ एक दो मिनट के लिए एक विजुलाइजेशन मूवी अपने दिमाग में क्रिएट करनी है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। आपका फ्यूचर आपको ऐसे सोचना है जैसे कि ऑलरेडी सब कुछ एग्जिस्ट है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले बताया कि आप अगर नया घर लेना चाह रहे हो तो आपको एक मिनट की मूवी अपने माइंड में क्रिएट करनी होगी कि ऑलरेडी मैं उस घर में रह रही हूँ, इस तरीके का इंटीरियर है, मेरे रूम का कलर ऐसा है जो मैंने डिसाइड किया था और मैं बहुत खुश हूँ। आपको सिर्फ़ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में उन चीज़ों को एंजॉय करना है जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो सिर्फ ये सिंपल 3 ट्रिक अपने माइंड में रख लीजिए और कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से, आकर्षण के नियम की हेल्प से चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।